महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय वडट्टीवार जी हमारे साथ इस समय हैं। वाईबी चौहान में शरद पवार बीड की रैली करने के बाद पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात इन्होंने की है। क्या बात हुई है उनसे बात करते हैं। सर, शरद पवार को लेकर आपने पिछले दिनों काफ़ी सारी बातें कही, यहां तक कि उनके ऊपर संशय भी आपने प्रकट किया कि आप प्लान बी पर काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है और आपके तरफ से लोकसभा इलेक्शंस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, आज शरद पवार से आपने मुलाकात की, क्या बातें हुई सर? नहीं, पवार साहब के साथ हमारी एक सदिच्छा भेंट थी। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद पवार साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। आज उन्हें वही एक उनका आशीर्वाद और उनके एक जो सदिच्छा मुलाकात होती है उसको लेकर हमने आज पवार साहब से मुलाकात की। रहा सवाल की जब मुलाकात होती है तो राजनीतिक चर्चा होती है, स्वाभाविक है, हम लोग राजनीति में हैं। और इसमें पवार साहब का आज जो मुझे कॉन्फिडेंस दिखा और उन्होंने एक ही शब्द में कहा, आप और हमको सबको जोर से लड़ना पड़ेगा, जोर से लड़ना है। ये जो बातें हैं ये महाविकास आघाड़ी को, इंडिया को बल देने वाली बात, शक्ति देने वाली बात आज उन्होंने कही है। तो मुझे लगता है कि उनसे मिलने के बाद महाविकास आघाड़ी में जो संभ्रमावस्था की स्थिति थी वो अब नहीं रहेगी और ना थी ना रहेगी। मैंने तो कभी उनके बारे में, उनको लेकर मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी, कोई और नेता ने कहा होगा, पर मैंने तो बात नहीं कही थी उनके भूमिका को लेकर। और आज नहीं कल वो उन भूमिका तो वो स्पष्ट रूप से उनके बार बार वो कर ही रहे। लेकिन चाचा भतीजा की जो मीटिंग हुई थी सर, उसको लेकर आपने सबसे ज़्यादा सवाल उठाए थे कि क्या है, कम से कम उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का भ्रम न सिर्फ महाविकास आघाड़ी में जा रहा है बल्कि जनता के बीच में भी जा रहा है। देखिए, मैंने जो कहा था मेरा सोर्स बताता है और पवार साहब को भी पता है कि पवार साहब को भी इस बात से वो जाहिर उजागर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में मिलना जुलना होता है। ऐसे तो नहीं कि राजनीति में, राजनीति एक विचारों पर, आइडियोलॉजी पर चलती है और पर्सनल रिलेशन को पर्सनल पर होते हैं, पर राजनीतिक जीवन में जब मिलते हैं तो वो छुप के मिलने की बात नहीं होनी चाहिए थी, उनको भी उन्होंने क्लियर किया, ये आप सबने सुना है। तो आज के तारीख में ऐसी कोई बात नहीं जो संदिग्धता की बात हो, जो कोई आपस में अविश्वास की बात हो। मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है कि हम लोग, ये सब लोग, पवार साहब इंडिया के पीछे ताकत से रहेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे। और आने वाले दिनों के जो 30, 31 और 1 तारीख को इंडिया की बैठक है, उस बारे में भी उनकी सब भूमिकाएं एक स्पष्ट है, प्लानिंग के बारे में और ये इनको आने वाले अतिथि की व्यवस्था के बारे में सब कुछ हमारी चर्चा एकदम पॉजिटिव है। सर, नीतीश राणे जो है आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अभी वो फिलहाल प्रधानमंत्री के ऊपर हमले कर रहे हैं, मंच से हो चाहे जहां कहीं भी रैली से हो वो बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उनके साथ पुणे में मंच साझा करते हैं तो पीठ भी थपथपाते हैं। तो ये चीज़ नहीं कहा जा सकता है कि शरद पवार अभी महाविकास आघाड़ी के साथ या इंडियन अलायंस के साथ दिखाई दे रहे हैं, कल को बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी आ सकते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा है, हमारे से ज़्यादा अनुभव नीतीश राणे का हो सकता है, उनका हो सकता है कि अब पवार साहब जैसे बड़े नेता के बारे में हमें कुछ ऐसे लगता नहीं है। इतने साल से, जितनी हमारी उम्र है उतने साल से वो राजनीति कर रहे हैं, और किसी बड़े नेता के बारे में हम छोटे लोग ऐसी बातें नहीं करते, हम ना बात करेंगे। सर, राज ठाकरे की तरफ से अभी ऐसे बयान आ रहे हैं कि ठाणे के 3 लोकसभा सीट और पालघर की 1 लोकसभा सीट के लिए वो अपने रिव्यू तो कर ही रहे हैं, चुनाव लड़ने की भी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जब तक राज ठाकरे ठाणे के 3 जो लोकसभा की सीट है वहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं और पालघर जिले से भी 1 कैंडिडेट खड़ा करने की तैयारी है, मतलब टोटल 4 सीट्स पर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कल तक बीजेपी के साथ काफ़ी ज़्यादा करीबी रिश्ते दिखाई दे रहे थे, बीच में फिर राज ठाकरे ने काफ़ी सारी बातें बीजेपी को लेकर कही है, बदले समीकरणों को किस तरीके से देखते हैं सर? महाविकास आघाड़ी और इंडिया के लिए कितनी अच्छी बात है या MNS के इस स्टैंड को कैसे देखते हैं? नहीं, देखियो, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करोगे तो मुख्य रूप से या इस राज्य में 4 पार्टियां प्रादेशिक पार्टियां हैं और 4 प्रादेशिक पार्टियों में से 2 पार्टियों का स्प्लिट हुआ है, उनका विभाजन हुआ है और
ये दोनों पार्टियों की स्थिति के बारे में वो नेता बेहतर इस बारे में बताएंगे। हम लोग, हमारे साथ में अलायंस पार्टनर होने से हम लोग इस बारे में ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। रहा सवाल राज ठाकरे जी का, तो राज ठाकरे जी की जो पहले की हमें ऐसा ही लगता था कि वो बीजेपी के प्रो बीजेपी या बीजेपी के विचार के साथ में जा तो नहीं रहे जी। पर आज मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो भाषा होती है जर तर की भाषा, आज अगर वो कह रहे, कल हो सकता है इससे भी आगे बढ़कर कुछ उनका प्रस्ताव उद्धव जी के पास जाए, हो सकता है कोई और पार्टी के पास जाए, तो हम लोग आज के तारीख में कोई इस बारे में अंतिम निर्णय तक कुछ टिप्पणी दे बात करे, ये मैं विश्वास नहीं रखता जी। रहा कि जिनको उनको अपने पार्टी बनाने का, पार्टी को मजबूत करने का अधिकार होता है, जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के दौर में जो एक महीना पहले डेढ़ महीना पहले जो चर्चा होती है उस वक्त ये भूमिका स्पष्ट होती है कि कौन इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, अलायंस में लड़ रहा है, आघाड़ी में लड़ रहा है। तो आज ज़्यादा इस बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, शरद पवार के ऊपर आपने एक बार संशय किया था, उनके जो है मीटिंग्स को लेकर भतीजे के साथ सवाल उठाए थे। अभी नीतीश राणे ये साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि एक बड़े उद्योगपति के जरिए उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं और बैकडोर से बातचीत उनकी चल रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी के आला कमान की तरफ से ऐसी कोई नहीं दी गई है कि बात जो है कुछ बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन कोशिशें जारी हैं, उनको अप्रोच किया जा रहा है और बीजेपी के आला नेताओं से उद्धव ठाकरे खुद अप्रोच करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो जख्मी शेर होता है वो जख्मी शेर बहुत ही अलर्ट होता है, और जख्म कब होती है, शेर जख्म कब होता है, दो शेरों में जब फाइट होती है तब होता है। अब जब जख्म ही उनके लगे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ वो दोस्ती हो जाएगी। अब ये बातें जो आती है केवल जनता को गुमराह करने के लिए होती है, जनता को अपना ध्यान जो इस राज्य के सामने विषय है, जो राजनीति चल रही है, गंदी राजनीति चल रही है, उसके तरफ से उसके ऊपर से ध्यान भटकाने का काम इस ऐसे स्टेटमेंट से होता है। इससे में कोई सच्चाई या वास्तविकता है ऐसा मुझे नहीं। नीतीश राणे तो चुनौती दे रहे हैं सर उद्धव ठाकरे को, नाम का खुलासा वो कर दे, नहीं तो वो तो नाम का खुलासा भी करने के तैयार। तो देखिए, दूसरों को चैलेंज करने से खुद ही बता दो तो महाराष्ट्र की जनता को मालूम हो जाए, सस्पेंस क्यों रखना? और सस्पेंस में दोनों नेता रहने से, नारायण राणे और उद्धव ठाकरे जी, तो यह जनता को सस्पेंस रख रहे, तो जनता को क्यों सस्पेंस रखते हो? तुम्हारा सस्पेंस, तुम्हारे पास जब कुछ जानकारी है तो लोगों को बता दो और पता चले कि सच क्या है, पर वो बता नहीं सकेंगे, मुझे विश्वास है। अगर बताना है तो तुरंत बता देते, क्योंकि सभा उसका टिट फॉर टैट का है, तो ये जब तुम बताओ हम बताएंगे इसमें दब नहीं लगता। आखिरी सवाल सर, नवाब मलिक जेल से अभी दो महीनों के लिए बाहर आए हुए हैं, कई सारे बड़े नेता उनसे जाकर मुलाकात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एनसीपी के दोनों गुट के जो नेता हैं वो जाके उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पत्ते उनकी तरफ से अभी तक नहीं खोले गए हैं कि वो किसको समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी भी अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, आप किसको देखते हैं सर? नवाब मलिक का जो इस समय झुकाव है वो किस तरफ है, उनको किस तरफ जाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, भुजबल साहब ने बहुत अनुभव लेकर आए, वो भी जाके मुलाकात करके आए, अब वो मुलाकात में उन्होंने अपना अनुभव भी बताया होगा, वो तो अजीत दादा को भी अनुभव बताया करके टीवी पे न्यूज़ चली कि जेल में क्या यातनाएं होती है, क्या तकलीफें होती है, वो भी उन्होंने बताया होगा। तो इसीलिए ये सब काम आज के तारीख में भुजबल जी सबको डराने का काम कर रहे कि अंदर की यातनाएं बहुत भारी है, तो ये डराने का काम तो नहीं कर रहे, ऐसी भी शंका महाराष्ट्र के और देश के जनता में भुजबल साहब के बारे में है कि उनका अनुभव वो कथन करने के बाद आगे वाला डर जाए और अपने साथ चल जाए, अगर ऐसा भी हो सकता है तो मुझे लगता है कि अब डरेगा कौन, चलेगा कौन, आने वाला समय बताएगा। आज उस विषय को लेकर कोई अपना मत प्रकट करना मैं उचित नहीं समझता। अनिल देशमुख भी तो सर मिले, वो भी तो जेल में थे काफ़ी लंबा समय, उनका भी जेल में गया, वो भी मिले और ये कहा जा रहा था पवार जी का संदेश लेकर पहुंचे हुए थे। ऐसा है, विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना तो हर कोई नहीं करता, अपने अपने रास्ते अपने अपने विचार होते हैं। उम्र में तो दोनों करीबन शरीक है, उससे थोड़ा सा भुजबल साहब की उम्र ज़्यादा है जी,
और मैं ये समझता हूँ कि इनको जिस ढंग से ये पॉलिटिकल एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था जो इनको विरासत में रखा गया था, अनिल देशमुख की भूमिका ये डे वन से स्पष्ट थी। वो कभी उनकी भूमिका में मुझे संदिग्ध करता नहीं दिखाई दी, और इसीलिए वो वहाँ पे पवार साहब के ऊपर और विचारों के साथ वो ताकत से खड़े रहे, और अन्याय के खिलाफ उन्होंने एक आज भी वो लड़ रहे। तो हर एक कोई नेता उन्हीं के रास्ते पर चले ये तो नहीं कह सकते। जो नेता आज के तारीख में जो निर्णय ले रहे वो मुझे समझता है कि मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ कीचड़ में जब किसी का पैर फंसता है तो निकलने के लिए दूसरे के हाथ का सहारा लगता है, तो हो सकता है। थैंक यू। ये थे विजय वडेट्टीवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नवाब मलिक है उसका स्टैंड वो खुद क्लियर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों गुट के जो नेता हैं वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके का माहौल नवाब मलिक के खिलाफ अगेंस्ट दिखाई दे रहा है उन्हें कहीं ना कहीं किसी का सहारे की ज़रूरत है, और वही हाथ की तलाश में इस समय नवाब मलिक कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।